नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी एस सुनील ब्लॉग विथ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ट्रेन नंबर 12444 आनंद विहार टर्मिनल हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, आपको कौन कौन से सुविधा मिलेगी, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नए तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों ट्रेन के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है और वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक चलती है। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है शाम को 7:10 पर, आपको अगले दिन रात को हल्दिया पहुँचाएगी 8:30 पर। यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलती है हर मंगलवार को। इस ट्रेन को आनंद विहार टर्मिनल से हल्दिया तक 1578 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 25 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। चलिए दोस्तों मैं इस ट्रेन के कोच के बारे में जानकारी देता हूँ। आपको 5 जनरल क्लास के कोच, 7 स्लीपर क्लास के कोच, 1 थर्ड एसी क्लास के कोच मिल जाएंगे। इस ट्रेन में आपको तत्काल की सुविधा मिलेगी, प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों मैं इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलता है आनंद विहार टर्मिनल से हल्दिया तक। इसका लोकोमोटिव हमेशा WAP-7 या WAP-4 होता है। चलिए दोस्तों मैं इस ट्रेन के कैटरिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको पेंट्री कार नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसमें ई कैटरिंग, अनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मैं इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि यह ट्रेन कौन से रूट से होकर जाती है। जैसे कि आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है शाम को 7:10 पर। इसका पहला हॉल्ट आता है गाजियाबाद जंक्शन, जहाँ पहुँचती है शाम को 7:42 पर। 7:44 खुलती है, 2 मिनट रुकती है। इसका दूसरा हॉल्ट आता है कानपुर सेंट्रल, जहाँ पहुँचती है रात को 1:30 पर। 1:35 खुलती है, 5 मिनट रुकती है। इसका तीसरा हॉल्ट आता है प्रयागराज जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 4:05 पर खुलती है, 5 मिनट रुकती है। इसका चौथा हॉल्ट आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 6:28 पर। 6:38 खुलती है, 10 मिनट रुकती है। इसका पांचवा हॉल्ट आता है गया जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 9:15 पर। 9:20 खुलती है, 5 मिनट रुकती है। इसका छठा हॉल्ट आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमोह, जहाँ पहुँचती है दोपहर को 12:20 पर। 12:25 खुलती है, 5 मिनट रुकती है। इसका सातवां हॉल्ट आता है खानुडी, जहाँ पहुँचती है दोपहर को 12:38 पर। 12:40 खुलती है, 2 मिनट रुकती है। इसका आठवां हॉल्ट आता है पुरुलिया जंक्शन, जहाँ पहुँचती है दोपहर को 2:38 पर। 2:40 खुलती है, 2 मिनट रुकती है। इसका नवा हॉल्ट आता है टाटानगर जंक्शन, जहाँ पहुँचती है शाम को 4:15 पर। 4:17 खुलती है, 2 मिनट रुकती है। इसका दसवां हॉल्ट आता है खड़गपुर जंक्शन, जहाँ पहुँचती है शाम को 6:10 पर। 6:20 खुलती है, 10 मिनट रुकती है। इसका 11वां हॉल्ट आता है पंसकुरा जंक्शन, जहाँ पहुँचती है शाम को 6:58 पर। 7:00 खुलती है, 2 मिनट रुकती है। इसका 12वां हॉल्ट आता है तामलुक, जहाँ पहुँचती है शाम को 7:24 पर। 7:26 खुलती है, 2 मिनट रुकती है। इसका 13वां लास्ट हॉल्ट है हल्दिया, जहाँ पहुँचती है रात को 8:30 पर ट्रेन।